लास्ट लेक्चर में हमने जनरल गैस इक्वेशन डिराइव की और उसमें हमने जनरल गैस कांस्टेंट आर को देखा था। अब हम बकायदा आर की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं कि आर जो कांस्टेंट है आर की, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। आर की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन यूनिट्स। हम जिस तरह के यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे उसी हिसाब से आर की वैल्यू होगी। यूनिट्स के हिसाब से मतलब कि अगर आप प्रेशर लेते हैं तो बेटा आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर्स में भी ले सकते हैं, आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर में भी ले सकते हैं, आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, आप वॉल्यूम को मीटर क्यूब में ले सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा मोल में ही होंगे और जो टेम्परेचर है वो भी हमेशा हम कांस्टेंट स्टैंडर्ड कांस्टेंट ही रखेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके पास होता है 273.15 डिग्री केल्विन। तो आपने ये टेम्परेचर भी सेम रहना है, वॉल्यूम भी सेम रहना, मोल भी सेम रहना है। प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज होंगे और उनकी वैल्यूज चेंज होंगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। आपने जो मेन चीज़ याद करनी है, आपने वैल्यू ऑफ आर याद करनी है विद यूनिट्स, ठीक है। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हर पोर्शन को तैयार करना है। पहला जो पोर्शन है हम तैयार करते हैं जो हम नॉर्मल यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर्स में लेते हैं और वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो अभी ये वैल्यूज़ पुट करें, आर इज़ इक्वल्स टू प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इज़ 22.414 डीएम क्यूब। 1 मोल का वॉल्यूम बच्चे इतना होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन है। आपने सारे यूनिट्स भी साथ में लिखने हैं। अब इन सबको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.0821 और यूनिट्स क्या बचेंगे, डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर, पर मोल, पर केल्विन। तो अगर आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर्स में लें, वॉल्यूम को डीएम क्यूब्स में लें तो आर की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को आप वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में बच्चे लेना चाहें, सेंटीमीटर क्यूब, तो आप सेंटीमीटर क्यूब में कैसे लेते हैं, सॉरी आप मिलीमीटर मरकरी में लेंगे। मिलीमीटर मरकरी में लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास आपने पहले जो प्रेशर लिया था वो 1 एटमॉस्फेयर था। और ये बात याद रखिए कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी। क्या कह रही हूँ मैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आप क्या करते हैं, आप इस सारी वैल्यू को 760 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये जो एटमॉस्फेयर यूनिट था ये कन्वर्ट हो जाएगा मिलीमीटर मरकरी में। आपके पास आंसर आता है 62.4 डीएम क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आता है और यूनिट्स क्या बन जाएंगे, डेसीमीटर क्यूब, एटमॉस्फेयर की जगह पे मिलीमीटर मरकरी, पर केल्विन, पर मोल, ठीक है बेटा। आपने मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया है कि 1 मिलीमीटर मरकरी इज इक्वल्स टू 1 टॉर। तो आप मिलीमीटर मरकरी लिख दें या आप टॉर लिख दें, एक ही बात है, वैल्यू सेम रहेगी 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल, या फिर 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि मिलीमीटर मरकरी और टॉर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले लिया है तो आप इसी पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसीमीटर क्यूब चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1000 सीएम क्यूब। ये डीएम क्यूब की वैल्यू है। अगर आप इसको सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिट्स सीएम क्यूब में आ जाएंगे। तो आप डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और आर की वैल्यू चेंज हो रही है। पहली वैल्यू थी 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, दूसरी वैल्यू है इसकी 62.4 डीएम क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल, तीसरी वैल्यू है 62.4 डीएम क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर केल्विन पर मोल, चौथी वैल्यू है 62.400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। ये सब डिफरेंट यूनिट्स थे कि जो यूनिट आपके पास क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहे हैं आप वैसी ही आर की वैल्यू लगा दें। लेकिन अगर आप ऐसे यूनिट में फाइंड करना चाहते हैं आर की वैल्यू, तो ऐसे यूनिट में बेटा क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे यूनिट में नंबर ऑफ मोल्स को मोल ही बोलते हैं तो 1 मोल ही आ जाएगा। टेम्परेचर केल्विन ही होता है ऐसे यूनिट्स में भी, तो आप 273.15 केल्विन ही यूज़ करेंगे। प्रेशर जो है
वो वन एटमॉस्फेयर आप नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडीशंस को कहते हैं वन एटमॉस्फेयर। आपने सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस लगानी है ना, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे प्रेशर होता है वन एटमॉस्फेयर, जबकि ऐसे यूनिट में प्रेशर के यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो आप एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में। कैसे करेंगे? वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो आपने ये चीज़ याद करनी है कि प्रेशर के ऐसे यूनिट में वैल्यू है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। वॉल्यूम अगर आप लेते हैं तो वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपके पास वन मोल का होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इसे मोलर वॉल्यूम बोलते हैं ना। लेकिन आपने ऐसे यूनिट इस्तेमाल करना है तो ऐसे यूनिट में मीटर क्यूब होता है यूनिट, डेसीमीटर क्यूब नहीं होता। तो आप इसको कन्वर्ट करें मीटर क्यूब में। कैसे करेंगे? आप इसको 1000 पर डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 1000 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.022414 मीटर क्यूब। तो अब आपने ये वाली दोनों वैल्यूज लगानी है और आर की वैल्यू निकालनी है। आर इज इक्वल्स टू पी वी ओवर एन टी। प्रेशर आपके पास आ गया 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और वॉल्यूम आ गया आपके पास 0.22414 मीटर क्यूब। इसको डिवाइड किया नंबर ऑफ मोल तो वन मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। आप जब इस सबको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 8.3143। और यूनिट्स क्या बचते हैं बच्चे? यहाँ पर मीटर माइनस टू है, यहाँ पर थ्री है, तो इसके टू से कट जाएंगे, सिर्फ एक मीटर बचेगा, तो न्यूटन मीटर और नीचे केल्विन पर मोल। ठीक है, न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड जाउल। तो आप इसके यूनिट लिख सकते हैं जाउल पर केल्विन पर मोल। यूनिट सिंप्लीफाई हो गए ना, पहले हम इतना लंबा यूनिट लिख रहे थे, अब सिंप्लीफाई हो गए, 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल। अब क्यों हमने यहाँ पे जाउल लिखा? बिकॉज वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू वन जाउल। आप न्यूटन मीटर लिख दें, आप जाउल लिख दें, एक ही बात है। अब लास्ट हमारे पास आर की वैल्यू रह गई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज। कैलोरीज में लिखने के लिए ये बात आप याद रखिए कि वन कैलोरीज इक्वल्स टू 4.18 जाउल। चार जाउल होंगे या सवा चार जाउल होंगे तो एक कैलोरी होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कैलोरी बड़ा यूनिट है, जाउल छोटा यूनिट है। आपके पास वैल्यू किस में थी? जाउल में। आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप इसको डिवाइड कर देंगे 4.18 पर। डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये सब ठीक है। आपने कहाँ पर कौन सी आर की वैल्यू लगानी है, दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन में प्रेशर के जो यूनिट्स हैं, वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लगाएंगे आर की। नॉर्मली क्योंकि आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में होता है और जो वॉल्यूम है वो डीएम क्यूब्स में होता है, तो आप नॉर्मली ये वाली वैल्यू लगा रहे होते हैं 0.0821 डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लेकिन फिर भी हमने न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने आर को कहाँ पे फाइंड करना है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ आर अकॉर्डिंग टू एसए यूनिट्स, तो आप ये सारा लिखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज, आप फिर भी ये सारा लिखेंगे यहाँ तक। ठीक है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन व्हेन प्रेशर इज टेकन इन टॉर एंड वॉल्यूम इज टेकन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग हर पोर्शन को अलग से तैयार करना है। कल इंशाल्लाह हम करेंगे डेंसिटी ऑफ एन आइडियल।